नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। इस वक्त मैं दनियावा प्रखंड के सुरंगा गांव में हूं, जहां पर बीती रात को घटना घटी है। इस घटना में 3 लोग की मौत हुई है और 1 घायल है। टोटल 3 लोगों की जो मौत हुई है, उसमें से 1 प्रदीप है, जिनका परिवार ठीक पीछे, जहां पर आप देख सकते हैं कि पुलिस वहां पर अभी मौजूद है। दूसरा जो है वो एक शैलेश है, जिनकी मौत हुई है। और तीसरे ठीक प्रदीप के घर के पीछे जय नाम की व्यक्ति की मौत हुई है। जो पूरा मामला बताया जा रहा है, वो पूरा मामला है कि दूध का मामला है, दूध का बकाया पैसा था, जिसके लिए ये गोलीकांड जो हुआ है वो फतुहा में हुआ है। और जिस तरीके से आपको हम दिखाएं कि जो गोलीकांड है, गोलीकांड यहीं पे है, सहयोगी संगेंगे आपको दिखाएं कि इस जगह पर जो आप देख सकते हैं कि खून के जो जितनी बूंद है वो खून के दिख रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर गोली चलाया गया है, हर जगह निशान है, यहाँ पर चप्पल गिरा हुआ है। जब गांव के लोगों से हमने बातचीत की, जानने की कोशिश की, तो उन्होंने पूरा बताया कि ठीक इसी जगह पर बीती रात पर 10-15 लोग आए थे जिनके पास हथियार था, और वो हथियारबंद लोग, ये जो आप गिट्टी देख रहे हैं, यहाँ पर बताया गया कि इसी जगह पर खून के जो धब्बे हैं वो आप देख सकते हैं कि ये पूरा खून का निशान यहाँ पर बना हुआ है, यहीं पर गोलीबारी हुई है, जिसमें 3 लोगों की मौत हो चुकी है और 1 अभी फिलहाल अस्पताल में जो है वो अपनी जान को लेकर वहाँ पर हैं। और देखा जा रहा है कि उनका भी जो पूरा हाल है वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है। इस तरफ शैलेश का घर है, जिसकी मौत हुई है। एक तरफ प्रदीप का परिवार है, दूसरी तरफ शैलेश का परिवार है, और तीसरा परिवार जो है वो जय का परिवार है। इन 3 लोगों की मौत हो चुकी है और चौथा व्यक्ति जो है वो अपनी जान की बाजी से वो एक तरह से हॉस्पिटल में है, और अब उनको उनकी भी जान की बाजी जो है वो दांव पर लगी हुई है। लेकिन इस वक्त जो माहौल है इस गाँव का, काफ़ी जो माहौल है वो काफ़ी ज़्यादा भयंकर है। यहाँ पर अब हर जगह से रोने धोने की आवाज़ आ रही है। लेकिन अब आखिरकार क्या मामला था, पटना से छिक सते हुए फतुहा के दनियावा प्रखंड का यह जो है सुरंगापुर का गांव है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहे पटना से साकेत कुमार।